बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें हंसते हैं मुस्कुराते हैं, इसीलिए तो अक्सर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ, आपसे शेयर करूँगी चना चाट की रेसिपी। ये तो आम हमारे घरों में बनाई जाती है और बड़ी आसान सी, तो बड़ी मैं चटपटी सी रेसिपी है। काफी दिनों का मेरा दिल कर रहा था तो मैं ले आई थी दही, अच्छे से धो के रख लिए थे, बॉयल करके कटिंग करके रख लिया। अभी मैं टमाटर कटिंग करूंगी, और ये मैं थोड़ी सी बंद गोभी जो है बारीक बारीक कटिंग करके रखी है, ये थोड़ा सा बंद गोभी का फूल पड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी ये भी कटिंग कर ली है। साथ में मैं इसके चने हम थोड़े डालते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हम पसंद नहीं करते, इसलिए चने हम थोड़े डाल, चने जो है नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिए हैं। अभी मैं टमाटर और प्याज की कटिंग करके फिर मैं पुदीना जो है उसके अंदर जो डालना है, पुदीना और हरी मिर्च, उसकी चटनी बना के उसके अंदर डालूंगी। हाँ जी, तो ये देखें मैंने बारीक कटिंग जो है एक छोटी मैंने रेड कलर की ली है और ग्रीन कलर की दो ली है, तीन जो है मैंने सब्ज़ और एक रेड मिर्च जो है वो मैंने अच्छे से धो के उनका पानी ड्राई करके उनको कटिंग करके रख लिया बारीक। प्याज ये देखें दो मैंने मीडियम साइज के प्याज ली हैं, वो बारीक से बारीक बारीक कटिंग करके मैंने रख ली है। देखिए कितनी है, नमक डाल के बॉयल करके रख लिया, आलू भी कटिंग करके रख ली है, और ये बंद गोभी हमारे घर थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा हमारा हमारे फ्रीजर में ये छोटा सा फूल पड़ा हुआ था तो मैंने ये भी कटिंग कर ली है। सारा मटेरियल जो है मेरा रेडी है। तो अब मैं पुदीना और ये जो हरी मिर्ची हैं एक एक बस डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है तो इसलिए जो है सब्ज में सिर्फ एक डाल रहे हैं। बाकी ये देखो पुदीना अच्छे से वॉश करके मैंने रखा हुआ था, ये देखो पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं इसके अंदर अच्छे से इसका पेस्ट बना लूंगी जो हमने इस दही के अंदर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, व्यूवर्स ये देखें हमारी जो है चटनी में बना रही थी, ये देखें पुदीने की और साथ में हरी मिर्च की, एक ही सब्ज मिर्च जो है मैंने वो ऐड की है उसके अंदर, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है, इतनी स्पाइसी बच्चे नहीं खा सकते। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छी से उसको मैंने उसके अंदर पीस लिया, तो अब ये देखें बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो व्यूवर इसके अंदर अब मैं दही डाल रही हूँ, दही डाल के एक दो चम्मच लगा के, तो आपने इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है। अब इसके अंदर मैं आलू और चने ऐड कर दिए हैं, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने बंद गोभी जो रखी हुई थी कटिंग करके वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, प्याज जो है वो लगा रही हूँ, एक साइड पे मैंने प्याज लगा दी, एक साइड पे मैंने टमाटर लगा दिया, और अब एक साइड पे हरी मिर्च लगा रही हूँ। देख कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। ये चटनी जो है मैं ये साइडों पे थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। अब इसके बाद इसकी ना मिक्सिंग करेंगे। नहीं, चाट मसाले ऐड कर लूँ, पहले चाट मसाले ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर मैं अजवाइन डाल रही हूँ, यह हाजमा होती है, वैसे भी इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बड़ी अच्छी होती है इसकी। ये थोड़ा सा चाट मसाला है दुकान से लिया था मैंने, वो डाल रही हूँ, चूरन चाट मसाला।
स्पाइसी बनाना है इसको, ये इसलिए कर लो। ये थोड़ा सा नमक डाल है, एक लेमन जो है वो मैंने कट कर लिया है, तो ये इसके ऊपर छोड़ रही हूँ। लेमन के साथ जो है चाट बड़ी चटपटी सी करारी सी बनती है। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे मसाले, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक पूरा लेमन जो इसके अंदर ऊपर मैंने निचोड़ दिया, अब इसके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। सुरख मिर्च आपने बिल्कुल नहीं डालनी इसके अंदर, सिर्फ नमक और चाट मसाला ऐड करना है। सुरख मिर्च डाल, बाद लोग सुरख मिर्च डाल लेते हैं फिर वो दही का जो है वो कलर ही डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ चाट मसाला और वो चटनी और नमक डालेंगे इसके अंदर। और किस किस को ये चाट पसंद है आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। माशाल्लाह से हमारी, माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत चाट जो है हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है कलर। ठीक है आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।